हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हरियाणा बुढ़ापा दिव्यांग पेंशन विधवा पेंशन को लेकर एक नया अपडेट जारी हुआ है। तो जी हाँ, बता दें कि समाज कल्याण विभाग की ओर से एक बड़ी जानकारी आई है कि पेंशन खातों में कब जारी होगी। तो ये बड़ी अपडेट है। जैसा कि बता दें कि हरियाणा में जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा पेंशन जारी की जाती है वो अभी तक किसी के लाभार्थी के खाते में नहीं आई है। तो ये कब तक जारी होगी तो इस वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी। अगर आप रोज़ हरियाणा की ताज़ा खबर या हरियाणा बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि बता दें कि हरियाणा में जो बुजुर्ग पेंशन है वो लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है। तो जी हाँ, बता दें कि बजट की वजह से यह लेट लतीफ़ी हो रही है। कह सकते हैं अभी इसका बजट नहीं जारी हुआ है। तो आज वहीं संभावना है कि आज पेंशन आ जाएगी। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे पेंशन कितनी आएगी, बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो पेंशन है मार्च महीने की है या अप्रैल में आ रही है तो ये 2500 रुपये ही आएगी। और बता दें कि ये जो पेंशन बढ़ोतरी है वो अप्रैल से लागू होगी, यानी 1 अप्रैल से लागू हो गई है। तो ये यानी कि आज जो कह सकते हैं ये अप्रैल महीने की जो पेंशन है अगले महीने जो मई महीने में आएगी वो 2750 रुपये आएगी। और ये जो पेंशन अभी आएगी आज शाम तक तो ये 2500 रुपये ही जारी होगी। तो सभी लोग ताज़ा अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं, यहीं पर सबसे पहले ताज़ा अपडेट मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।